नमस्कार, मैं जहांगीर आलम, आप देख रहे गोल्ड फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। आप बैठक कर रखे थे, क्या कुछ निर्णय निकला? देखिए, ये बैठक जो है इसको इसलिए रखा गया था ताकि जो एक पक्ष है उनकी, मतलब दोनों ही पक्ष की समस्याओं को और जो इधर इस बागमारा क्षेत्र में जो समस्या हो रही है उन पर चर्चा की जा सके और कुछ उसका बीच का रास्ता निकाला जा सके, कुछ सोल्यूशन निकाला जा सके। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे बराबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गोली चलने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए लोकल जो लोग हैं उनके साथ बैठना और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि एक मैसेज भी सोसाइटी को जाए कि हम लोग पुलिस भी एक्टिव है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। क्या मानते हैं कि ये जो भी अभी हो रही है राजनीति रंजिश की वजह से? देखिए, अभी इस संबंध में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी और हमारी कोशिश ये है कि हम लोग पूरे मामले की अच्छी तरह से छानबीन करें, सभी तरह के लोगों से मिले और फिर उसके बाद कोई डिसीजन ले कि इसमें किसी कोई राजनीतिक पहलू भी हो सकता है। फिलहाल तो ये हमारे लिए एक क्राइम का मुद्दा है। क्या दूसरे पक्ष से भी बात होगी इस पर? जी बिल्कुल, समय समय पर सब दोनों ही पक्ष से बात होती रहेंगी। और आज आपका क्या निष्कर्ष निकला एक पार्टी से? देखिए, अभी निष्कर्ष तो देखिए ये है कि अब किसी भी तरह की बात में पहले वार्ता होगी और उसके बाद ही कुछ आगे का कदम लिया जाएगा और पुलिस को हर तरह की सूचना दी जाएगी। मकसद क्या था एक पक्ष जी कहा जाए जलेश्वर महतो कांग्रेस के लोगों को बुलाने का मकसद क्या था? देखिए, अभी आज मैंने कांग्रेस को बुलाया है, कल हो सकता है मैं दूसरे पक्ष को बुलाऊंगी, तो ये एक पक्षीय कार्य नहीं है, है ना। और इसके अलावा जो मेरा मकसद था कि मैं लोगों की बात को सुन सकूं, समझ सकूं और उस हिसाब से जजमेंट कर सकूं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा केसेस ऐसे हैं जो फॉल्स हैं, जो एक दूसरे पे प्रतिद्वंदिता के कारण दर्ज किया गया है, तो उस तरह के मामलों को आइडेंटिफाई करना भी है, तो इस वजह से मैंने इनको बुलाने का इनिशिएटिव लिया है और आने वाले दिनों में मैं दूसरे पक्ष के भी विधायक को बुलाऊंगी। एक बात सर, कल दो लोग जेल गया, इसके बारे में कहते उद्भेदन में क्या हुआ? देखिए, उसमें तो हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए हमारी टीम के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए लोकल गुप्तचर को हम लोगों ने एक्टिव किया और वहाँ पे जो इस तरह की घटनाएं हो रही है उसके पीछे किसका हाथ है और इस तरह से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके और कुछ टेक्निकल जो हमारा तरीका है उसको करते हुए हम लोगों ने सही अपराधी तक हम लोग पहुँच गए और फिर अनुसंधान जब किया तो बहुत सारी बातें भी सामने आई कि किस तरह से उसने घटना को अंजाम दिया। तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि आधे से अधिक ये जो हमारे छानबीन है वो पूरी हो चुकी है और इसमें दो लोग अभी गिरफ्तार हुए हैं और एक व्यक्ति फरार चल रहा है और दो अज्ञात लोग भी हैं इसमें, तो वो छानबीन अभी चल रही है और आने वाले दिनों में इसका भी उद्भेदन हो जाएगा। कि हथियार तो अभी तक बरामद नहीं हुआ है बट वो भी जल्द हो जाएगा। इनके द्वारा काफ़ी कुछ बताया गया है, इन्फॉर्मेशन काफ़ी कुछ दिया गया है, तो उसके आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे और जल्द ही हथियार भी मिलने की संभावना है। क्या पहले भी इन लोगों पर केस हुई है क्या, आपराधिक मामला? आपराधिक मामला एक कटरास थाना में एक जो अभियुक्त है दीपक चौहान उस पर था और इसके अलावा बाकी लोगों का हम लोग छानबीन कर रहे हैं बट अभी तक उस तरह की बात नहीं आई है सामने। तो अन्य मामलों में अपराध स्वीकार किया है क्या इस तरह की घटनाओं में? गोली जी जी जी, ये गिरोह तरह का एक ही बस्ती के ये लोग सब हैं और ये लोग हाँ मिलकर अपना खर्चा चलाने के लिए छोटा मोटा रंगदारी का काम करते हैं। ये बात आई है।